मॉर्निंग मेरी 7 o'clock की फ्लाइट है बेलग्रेड सर्बिया के लिए। सर्बिया यूरोप का इकलौता कंट्री है जो इंडियंस को फ्री वीजा एंट्री देता है अपने कंट्री में। मतलब कि आपको सर्बिया जाने के लिए, सर्बिया में एंटर करने के लिए कोई भी वीजा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग के 6:30 हो चुके हैं, मैं फ्लाइट के अंदर आ चुका हूँ एयर सर्बिया के। हे गाइस, वेलकम टू बेलग्रेड सर्बिया। स्वागत है आप लोगों का बेलग्रेड सर्बिया में। मैं अभी हूँ निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और बेलग्रेड कैपिटल है सर्बिया की, जो कि आता है बालकान्स रीजन में यूरोप के। सर्बिया मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, सर्बिया यूरोप का इकलौता कंट्री है जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, और इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईजी था सर्बिया में। मेरे को लग रहा था शायद क्वेश्चन पूछा जाएगा या रिटर्न टिकट मांगेंगे, होटल एकोमोडेशन मांगेंगे, कुछ भी नहीं पूछा। बस पासपोर्ट लिया, स्टैम्प कर दिया तुरंत, विद इन 1 सेकेंड बोला सर वेलकम टू सर्बिया। मतलब इतना इजी, इतना स्मूथ इमिग्रेशन था। अभी मैं अपना बैग रिक्लेम कर लेता हूँ, मेरा बैग ही पड़ा हुआ है सीट बेल्ट में, फिर निकलता हूँ एयरपोर्ट से बाहर। मेरी 3 घंटे की फ्लाइट थी टेल अवीव से बेलग्रेड सर्बिया के लिए। जो टाइम डिफरेंस है इसराइल और सर्बिया में वो है 1 आवर का, तो 1 घंटे टाइम इसका पीछे है सर्बिया का। और पूरे एयरपोर्ट में, पूरे निकोला टेस्ला एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई है विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। मतलब आपको ना फ़ोन नंबर देना है, ना ईमेल आईडी देना, कुछ नहीं देना है, सीधे लॉगिन करते ही कनेक्ट हो जाता है। काफ़ी सारे ATMs हैं यहाँ पे, आई थिंक 3-4 बैंक्स के अलग अलग ATMs लग रहे हैं मेरे को। तो विड्रॉल कर लेता हूँ कुछ ना कुछ पैसे, देखता हूँ क्या रेट मिलते हैं। और सिम कार्ड यहाँ बहुत महंगा है, मतलब मैं यहाँ 5 दिन के लिए आया हूँ। सिम कार्ड जो मिनिमम है वो स्टार्टिंग है 10 यूरो, मतलब कि लगभग 800 रुपये स्टार्टिंग पड़ेगा आपको सिम कार्ड यहाँ पे। तो सिम कार्ड मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ, प्रॉब्ली बाहर सिटी में जाके वहाँ से लेता हूँ। मेरे जो 170 इसराइली शेकल बचे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है। 2-3 एक्सचेंज काउंटर थे, मैंने हर जगह पूछा, कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है। देखता हूँ, हो सकता है शायद इंडिया जाके एक्सचेंज हो, या मे बी शायद मार्केट में जो लोकल शॉप्स होती हैं, एक्सचेंज शॉप, शायद वो लोग एक्सचेंज कर लें। सर्बिया की जो करेंसी है उसका नाम है सर्बियन दिनार, और सर्बियन दिनार की अभी जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 1 rupee इज इक्वल टू 1.45 सर्बियन दिनार। मतलब कि इंडियन रुपीस से भी अभी वैल्यू इसकी कम है, तो मतलब क्यों हो गया 145 सर्बियन दिनार इज इक्वल टू 100 इंडियन रुपीस। तो मैंने ATM से बैंक का इंतजाम, मैंने नेट पे काफ़ी रिसर्च किया कि किस बैंक से मैं पैसे विड्रॉल करूँ कि एक्स्ट्रा कुछ भी ना कटे। तो 1-2 बैंक ही सामने आए जहाँ से पैसे एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे, तो मैंने उसमें से एक है बैंक का इंतजाम, ये है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कटे। मैंने 5000 सर्बियन दिनार मैंने विड्रॉल किया है, मेरे अकाउंट से लगभग 3500 रुपये कटे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कटा है। और अभी वैल्यू 1.45 चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो फॉर ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन मैं 1.5 के हिसाब से जोड़ूंगा हर जगह। अब मेरे को बस लेनी है सिटी सेंटर के लिए, बाहर निकलता हूँ एयरपोर्ट से, बस लेता हूँ। ये है 5000 सर्बियन दिनार, कुछ ऐसा है। कहाँ एक तरफ जॉर्डेनियन दिनार और कहाँ एक तरफ सर्बियन दिनार। 100 रुपये देने पे 1 जॉर्डेनियन दिनार मिलता है, और यहाँ पे इंडिया का 1 रुपये देने में 1.5 सर्बियन दिनार मिलता है। अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ निकोला टेस्ला एयरपोर्ट से, 2 बस जाती है सिटी सेंटर के लिए। एक बस नंबर है 72 और एक है A1। 72 थोड़ी सस्ती है, A1 थोड़ी महंगी है। A1 का रेट है 300 सर्बियन दिनार, मतलब कि लगभग 200 रुपये हो गए। और जो बस नंबर 72 है उसके लगते हैं लगभग 150 दिनार के आसपास, मतलब कि 100 रुपये, मतलब आधा प्राइस है। तो देखता हूँ बस नंबर 72 के लिए अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं तो बाहर तो A1 खड़ी है। तो मैं डिपार्चर लेवल में ऊपर आया पहले, अब यहाँ से बाहर निकला हूँ। ढूंढना पड़ेगा बस नंबर 72, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30 मिनट, मतलब कि हर आधे घंटे पे आपको 2 बस मिल जाएगी। अब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है, टेम्परेचर अभी 8 डिग्री के आसपास है। ये भाई बस स्टॉप है छोटा सा, डिपार्चर लेवल के बाहर, अराइवल लेवल के बाहर नहीं है। यहाँ पर A1 और 72 दोनों रुकती है, लेकिन आपको 72 लेनी है अगर सस्ते में जाना है तो। बाकी A1 यहाँ भी सही भी मिल जाएगी आपको, और नीचे अराइवल के बाहर भी मिल जाएगी, लेकिन 72 सिर्फ आपको डिपार्चर के बाहर ही मिलेगी। तो अभी तो है नहीं, वेट करता हूँ, शायद 15-20 मिनट में आ जाएगी, क्योंकि हर आधे घंटे की फ्रिक्वेंसी है। 9:45 हो रहे हैं, बस आई थिंक 10 बजे आएगी।
15 मिनट मेरे को यहाँ वेट करना पड़ेगा। हेलो, वन टिकट। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने बोला था, सेम वैसे ही 150 दिनार का टिकट पड़ा, लगभग 100 रुपए के। एयरपोर्ट बस ने सिटी सेंटर पे ड्रॉप कर दिया है, कोई लोकल मार्केट है इसके जस्ट सामने ड्रॉप किया है। तो कई सारी बसेस खड़ी हैं इसके सामने और मैकडी भी है वहाँ पे। देखता हूँ कुछ लोकल मार्केट में खाने का मिल जाए, ले लेता हूँ, नहीं तो कोई फ्रूट्स ले लेता हूँ। फिर यहाँ बनाना का रेट है 100 दिनार पर केजी, तो हाफ 500 ग्राम लिया हूँ मैं, हाफ केजी 50 दिनार का, तो 1, 2, 3 ही पीस आए हैं। बस स्टॉप के पास में एक बेकरी है, तो मैंने फिर ये लिया है, आई डोंट नो क्या नाम इसका, 80 दिनार का पड़ा है पूरा, ये अंदर चीज़ फील्ड है। खा के देखता हूँ फिर कैसा है। कई सारे यहाँ आइटम्स हैं, वेज भी है, नॉन वेज भी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। यार ये तो बहुत टेस्टी है, आउटर क्रस्ट एकदम क्रिस्पी है, अंदर बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है, मतलब कि दो खा लो तो पेट भर जाएंगे। और 80 दिनार मतलब कि रुपए में होगा आई थिंक 50 रुपए के आसपास, तो बहुत महंगा भी नहीं है। इसराइल ने भी मेरा पहले दिन बारिश के साथ स्वागत किया था, और सर्बिया ने भी पहले दिन मेरा बारिश के साथ स्वागत किया है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बस पकड़ते हैं दूसरी सिटी के लिए, सिटी का नाम है नोवी सैद, और जो बेलग्रेड सिटी है जो सर्बिया का कैपिटल है, मैं इसको लास्ट में देखूंगा, घूमूंगा, इसलिए अभी मैं जा रहा हूं दूसरी सिटी जो कि सर्बिया के नॉर्थ में पड़ता है, बहुत दूर नहीं है, लगभग 80 किलोमीटर्स है बेलग्रेड से। पास में बस स्टेशन है, मैं वहां आ चुका हूं। बस स्टेशन का नाम है बैस, BAS। बस स्टेशन का नाम है बैस, BAS। यहाँ से मेरे को बस मिलेगी नोवी सैद के लिए। बस फॉर नोवी सैद एट 12 o'clock, 12 GoPro। नोवी सैद सिटी के लिए मैंने बस टिकट ले लिया है, प्राइस आपको बता देता हूँ। कई सारी बसेस हैं, लगभग हर 15 मिनट से आधे घंटे में बेलग्रेड से नोवी सैद के लिए बस जाती है, और जो बसेस हैं ऑलमोस्ट सब प्राइवेट हैं, तो अलग अलग कंपनीज के हैं और सबका फेयर भी अलग अलग है। मेरे को दो ऑप्शन मिल रहा था, एक ऑप्शन था 15 मिनट बाद का, उसका प्राइस था 760 दिनार, दूसरा ऑप्शन था आधे घंटे बाद का, उसका प्राइस था 520 दिनार। तो मैंने फिर आधे घंटे बाद का टिकट ले लिया है। टिकट है 400 दिनार का, इसमें 400 दिनार लिखे हुए हैं, लेकिन साथ में आई डोंट नो क्या ये टोकन दिया हुआ है, अगर इसके थ्रू आपको गेट खुलेगा तभी आप बस में बैठ पाओगे। तो टोकन प्लस टिकट मिला के मेरे को पड़ा है 520 दिनार का। बस स्टेशन के सामने छोटी सी कियोस्क है, छोटी शॉप है, यहाँ से मैंने सिम कार्ड ले लिया टेलीनॉर कंपनी का, और बहुत ही सस्ता पड़ा है, मतलब कि एयरपोर्ट में जो मिनिमम प्राइस था वो था 10 यूरो, मतलब कि 800 रुपये, और यहाँ पर वहाँ मिला था मेरे को 2 GB, यहाँ मेरे को मिला है 4 GB 300 दिनार का, मतलब सिर्फ 200 रुपये का सिम कार्ड और 4 GB इंटरनेट और 1 वीक के लिए वैलिड है। अच्छा मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया, मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वहाँ कहाँ 800 रुपये, कहाँ 200 रुपये का सिम कार्ड। नेटवर्क भी आ गया है, इंटरनेट भी काम कर रहा है, तो आप बस स्टेशन के सामने से सिम कार्ड ले सकते हो सिर्फ 300 दिनार का, जो कि बहुत सस्ता है। चल रहा हूँ वापस बस स्टेशन, क्योंकि बस का टाइम हो चुका है। प्लेटफॉर्म 40। थैंक यू। बिना कॉइन के प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, तो कॉइन का इम्पोर्टेंस ये है। मेरी जो बस है
प्लेटफॉर्म नंबर 40 से है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा बस स्टेशन ही है। Novi Sad. Yes. Oui. बड़ा बैग यहाँ मैंने रख दिया है बेसमेंट पे और चलता हूँ बस के अंदर। बस तो बहुत ही अच्छी है, फुली एयर कंडीशन्ड है, रिक्लाइनर सीट है, ठीक है।